गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अंदर जाने के लिए एंट्री गेट आ चुका है। जस्ट मेरे सामने दिख रहा है आपको, मेरे पीछे दिखाता हूँ मैं, और इस साइड का जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया इस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। मॉर्निंग होगी, गुड मॉर्निंग टू यू गाइस। सो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह चाय वगैरह मैंने पी ली है और कर लिया, चाय पी ली, ब्रेकफास्ट कर लिया है मीन्स। और अब कहीं चलना है बाहर, और चलते हैं, आपको लेके चलेंगे जहाँ चलना है, नई डेस्टिनेशन पे चलना है, नई जगह पे चलेंगे, नई प्लेस पे चलेंगे, आपको वहां पे लेके चलेंगे। सो लेट्स गो गाइस, अब बाहर चलते हैं, आपको फिर बताएंगे कहाँ जाना है। सो मैं बाहर आ चुका हूँ रोड पे, बाहर स्टैंड पे खड़ा हूँ, बस स्टैंड पे जहाँ से जाना है मुझे, जहाँ पे जाना है उसके लिए खड़ा हूँ। और अब यहाँ से जाएंगे, वहाँ चलते हैं जहाँ जाना है, फिर वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे कौन सी जगह आए हैं। गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं, और कहां पहुंचा हूं, कहां आया हूं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं किस जगह पे आया हूं। मैं आया हूं यहां पे रेड फोर्ट, दिल्ली का रेड फोर्ट है, वहां पे आया हूं। और अभी मैं बाहर से शूट ले रहा हूं, वीडियो कैप्चर कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आपको मैं दिखाता हूं। यहां से टिकट काउंटर है जहां से टिकट लूंगा अभी मैं। तो गाइस देख सकते हैं, ये टिकट काउंटर लिखा हुआ है, यहां पे टिकट बुकिंग का ऑप्शन है, यहां से जाकर के फिर ये जस्ट सामने ये दिख रहा है आपको, यहां पे देखिए टिकट बुकिंग हो रही है, सारे लोग टिकट बुक करा रहे हैं, और मैं भी टिकट बुक कराऊंगा। आपको मैं बताता हूँ कितने रुपए की टिकट है, अंदर चलते हैं यहाँ से बुक कराते हैं। दोनों मेथड है मेरे हिसाब से लग रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आगे चलते हैं, पूछते हैं वहाँ पे, पता करके फिर आपको बताते हैं। सो टिकट बुक हो चुकी है मेरी और मैंने करा लिया। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे दोनों मेथड है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जिससे चाहे आप उससे बुक करा सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन कराएंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, चीपेस्ट पड़ जाएगा। अगर ऑफलाइन टिकट लेंगे तो थोड़ी महंगी पड़ेगी। ऑफलाइन टिकट मैं बता दूं आपको कितने रुपए की, 80 रुपीज़ की ऑफलाइन की टिकट है। ऑनलाइन टिकट है 60 रुपीज़ करीब की समथिंग, उसमें है म्यूजियम एंड रेड फोर्ट दोनों इंक्लूड होकर के कटेंगे पेमेंट। जब आप ऑनलाइन मेथड में आप बुक करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा रेड फोर्ट या म्यूजियम, दोनों का ऑप्शन आएगा। तो आप जो चूज़ करना चाहे वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे को चूज़ करना था रेड फोर्ट एंड म्यूजियम दोनों, तो मैंने दोनों चूज़ किया आपको दिखाने के लिए। अंदर यहाँ पे इंडियन के लिए चीपेस्ट प्राइस है, फॉरनर के लिए टिकट महंगी है। फॉरनर की टिकट 600 समथिंग की है, और यहाँ पे इंडियन की जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 80 रुपीज़ करीब की है। ऑफलाइन ऑनलाइन लेंगे तो 60 रुपीज़ करीब की पड़ेगी। सो अब यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ का आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं, आगे का यहाँ से आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें बढ़िया बढ़िया जो भी है यहाँ पे लाल किले पे। मैं अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, और इसकी टिकट विकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, और जो जो अब होगा मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर चलते हूँ, अंदर क्या क्या है यहाँ पे म्यूजियम में, क्या क्या चीज़ें रखी हुई क्या है, और ये कब इस्टैब्लिश हुआ था इसके बारे में वहाँ पे पता करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, कब इस्टैब्लिश हुआ था वहाँ पे देखेंगे। इनके इनका बोर्ड लगा होता है, बोर्ड में आपको मैं दिखाऊंगा, अगर बोर्ड वैसा कुछ मिला तो मैं चीज़ वहाँ से वो चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। तो आगे की तरफ चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। सो आ चुका हूँ मैं इधर की साइड का आपको एरिया दिखाना है, मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सारे लोग इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं और फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। और ये देखिए हमारा लाल किला जैसे कि दिख रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है, और हमारा ऊपर लगा हुआ है ये फ्लैग, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये। यहाँ से अब यहाँ से इस साइड से अब इधर की तरफ को चलते हैं, अंदर इस साइड को आगे की तरफ से देखते हैं क्या क्या है। आगे की तरफ से आपको दिखाते हैं, देखिए कितने लोग आए घूमने, आप सब भी आ सकते हैं घूमने अपने फैमिली के साथ। बहुत अच्छी जगह है, बहुत बहुत बढ़िया हिस्टोरिकल प्लेसेस है ये, दिल्ली के नामी चीज़ है ये, नामी है जगह है ये। और आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ और दिखाते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अंदर जाने के लिए एंट्री गेट आ चुका है, जस्ट मेरे सामने दिख रहा है आपको, मेरे पीछे दिखाता हूँ मैं, और इस साइड का जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया इस साइड एरिया में बैग वगैरह जो भी चीज़ आप लेकर आए, तो बैग वगैरह लाए तो वो जमा करना पड़ता है, तो मेरे को भी जमा करना पड़ेगा। मैं बैग लेकर आया था, कुछ काम तो मुझे, तो इस चक्कर से मैं बैग लेकर आया था, वाटर वोटर वगैरह डली हुई थी और भी चीज़ें कुछ थी इसमें, तो इस चक्कर से लाया था बैग। तो अब बैग को चलते हैं यहाँ पे नीचे की साइड जमा करते हैं, तो दिखाता हूँ आपको लाइन में। यहाँ पे जमा करने का चार्जेस भी है, चार्जेस भी पूछेंगे कितने रुपये चार्ज है, फिर आपको उसके बारे में भी बताएंगे। अंदर चलते हैं, यहाँ पे जमा करते हैं फटाफट। तो ये स्टेयर्स में यहाँ से उतर रहा हूँ और जा रहा हूँ इधर की साइड बैग जमा करने की लाइन में, ये लाइन लगी हुई है बैग जमा करने की। और अंदर चलते हैं, यहाँ पे जमा करते हैं, पूछते कितने रुपये चार्जेस क्या है, यहाँ पे जमा करते हैं, फिर पर्ची वगैरह मिलेगी शायद। आगे ये लाइन में लगा हुआ हूँ बैग जमा करने की, देखिए बैग जमा हो रहा है अंदर की साइड में, और मेरा बैग ये रखा, मैं अभी अंदर देता हूँ, लोग दे रहे हैं। देखिए टिकट मिल रही है, पर्ची मिल रही है, इसकी जितने रुपये की प्राइस होगी पूछते हैं अंकल से। तो बैग जमा कर दिया है मैंने, आपको मैं बता देता हूँ कितने रुपये टिकट है। यहाँ पे दो रुपये कुछ पैसे हैं एक घंटे के, और इस हिसाब से। और ये रही पर्ची उसकी जमा करने की, ये रहा टिकट पर्ची। इधर से हम अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ एरिया की तरफ चलते हैं जहाँ से एंट्री होती है, अंदर एंट्री लेते हैं, आपको अंदर का एंट्री दिखाते हैं। एंट्री गेट है यहाँ से जाने का एरिया, देखिए ये लिखा हुआ है एंट्री गेट। अब यहाँ से अंदर चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे चेकिंग हो रही है, ये चेकिंग करवा रहे हैं, मैं भी चेकिंग करवाऊंगा। चेकिंग हो चुकी है मेरी, जस्ट मेरे पीछे से यहाँ से चेकिंग होकर अब अंदर आ गया हूँ मैं, अंदर की तरफ एरिया दिखाता हूँ। तो यहाँ से एंट्री का गेट है जाने का लाल किले के अंदर का, और ये देखिए यहाँ पे तोप वगैरह रखी हुई है,
और सब लोग जा रहे हैं, घूम घूम के आ रहे हैं, देख सकते हैं जैसे कि देखिए तो यहाँ पे बच्चे लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं, छोटे बच्चे, आप लोग भी फोटो क्लिक करा सकते हैं इधर आ करके। और यहाँ से अंदर चलते हैं, अब अंदर की तरफ देखते हैं क्या क्या है। तो फाइनली अब अंदर की तरफ आ चुका हूँ मैं, और यहाँ से दिखाते हो जाने का अंदर से, दूसरी साइड से जो अंदर जाते हैं, जो यहाँ से घूम के अंदर घूमने का, और आपको मैं एक बार पूरा यहाँ का एक्सप्लोर करा दूँ, दिखा दूँ बढ़िया से कैसा है। देखिए आप तो देख सकते हैं, देखिए इधर से एरिया सब यहाँ पे लोग फोटो क्लिक वगैरह करा रहे हैं जैसे कि आपको दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ से अभी अंदर जाना है, इधर की साइड से अंदर चलेंगे। मुझे भी नहीं पता क्या है अंदर क्या नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ अंदर की साइड, बाहर से बहुत देखा है मैंने और अंदर की साइड फर्स्ट टाइम आया हूँ। और देखिए ये पूरा लाल किले का दिख रहा है, झंडा वगैरह जैसा आपको दिख रहा है ये। और आपको मैं बताना चाहूँगा, दिस साइड का एरिया जो अभी बंद कर रखा है जाने के लिए, बंद है यहाँ से, मतलब बैरिकेड लगा दिया, बंद किया हुआ है ये। एंड अब चलते हैं इधर की साइड से, अंदर चलते हैं, इधर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से इधर की साइड मार्केट वगैरह है, शॉप की दुकान है जैसा आपको दिख रहा है। कोई सामान आप में से कुछ भी लेना आना चाहे तो यहाँ पे आ सकता है लेने के लिए, प्राइसेस लगी हुई है। तो ये चीज़ें देखिए, इधर शॉप है, ये सारी की सारी शॉप है, इस साइड भी शॉप है, इधर की साइड, सारे साइड, दोनों साइड अभी इधर से मार्केट है यहाँ का अंदर में लगा हुआ है लाल किले के अंदर। और आपको मैं ऊपर का यहाँ का एरिया दिखाऊंगा एक बार, ये देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन बना रखा है, देखिए गेट्स बने हुए, गेट जैसा लुक दे रखा है। इधर लोग सामान वगैरह ले रहे हैं, अंदर जा रहे हैं अंदर अंदर की तरफ। आप में से कोई सामान वगैरह लेना चाहते ले सकते हैं, बट मुझे कुछ लेना नहीं है तो मैं ले नहीं रहा हूँ कुछ भी। और आगे चलते हैं अब। हम इधर आ गए अंदर की तरफ, पूरा आ गया, मैं आपको दिखाऊं पीछे, देखिए ये रहा मार्केट जैसा आपको दिख रहा है, इधर की तरफ से आए अंदर से, यहीं से अंदर आए हैं अभी। और आगे की तरफ इधर चलते हैं आगे की तरफ का, और क्या क्या आपको मैं दिखाऊंगा इधर अभी। तो ये जैसी बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये अंदर घुसने के साथ ही है अंदर यहाँ पे। और इधर का साइड का एरिया कुछ नहीं दिखाने का, मैंने पूछा गार्ड से आपसे तो वो मने कर रहे, कह रहे कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक है कोई नहीं। तो जिस साइड का है उस साइड मैंने पूछा, उस साइड का बता रहा है, इस साइड है सामने, जस्ट आपको दिख रहा है ये। तो देख सकते हैं ये बोर्ड लिख रखा है इसके बारे में, नौबत खान के बारे में, और ये कब क्या हुआ था इनके बारे में लिखा हुआ है। मैं इस साइड हिंदी में, ये देख सकते हैं हिंदी का बोर्ड है, एंड ये देख सकते हैं इंग्लिश का बोर्ड है। और ये इनका ये जो बना हुआ था, ये देखिए ये जो दिखाया मैंने जो बना हुआ उन्हीं का, ये बना हुआ उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, कब बना था कब नहीं बना था। और वहाँ से सब लोग अंदर जा रहे हैं उधर की साइड से, उधर की साइड हम भी चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं अंदर क्या इधर आपको और दिखाएंगे। देखिए इधर से जा रहे हैं, यहाँ से सब आ रहे हैं घूम घूम के अंदर की साइड से। और ये कुछ ऐसा बना हुआ है कुछ, ये देख रहे हैं आप जैसा कि, देखिए कुछ ऐसा किले के रूप में बना रखा है जैसा आपको ये दिख रहा है, ऐसा डिज़ाइन है कुछ। एंड ऊपर की तरफ ऐसा है, देख सकते हैं देखिए ऐसा बना हुआ है कुछ। और आगे चलते हैं अब यहाँ से, आगे देखते हैं क्या यहाँ से आगे आगे हैं, आगे आपको दिखाते हैं। और ये उनका दीवान है आम है जैसा आपको दिख रहा है, ये देखिए ये पूरा बना हुआ है ये। इधर से यहाँ पे सब अंदर की तरफ फोटो खिंचवा रहे हैं, ऊपर चढ़ चढ़ के इधर से जा रहे हैं, इधर की साइड देखिए ऐसा कुछ है ये। इधर चलते हैं हम भी, आपको भी दिखाते हैं। इधर से ऊपर आ चुका हूँ मैं और इधर का दिखाता हूँ दीवान आम का क्या है, अंदर क्या है क्या नहीं, रहस्य है क्या चीज़ है, जो चीज़ है बोर्ड दे दिया मैंने आपको वहाँ से, उसको आप पढ़ लेना, स्टॉप करके वीडियो को पढ़ लेना वो चीज़। और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से अंदर दीवान आम का क्या, देखिए आप दीवाने आम के अंदर आया तो ये देखिए ये बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है वाइट वाइट सही है। और ये शीशे से पूरा पैक है, हो सकता हो आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो, थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा होगा, पूरा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये शीशे से पैक है, इसलिए दिख नहीं पा रहा, सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा है ये। और ये कुछ बड़ा उनका दीवाने आम का जो बना है ये। और यहाँ पर और लोग सब लोग घूम रहे हैं, इधर देखिए ये रहा, ये पूरा ऐसी इधर का ऊपर डिज़ाइन देख सकते हैं, देखिए ऐसे लुकिंग दे रखा है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन गेट टाइप में लुक्स दे रखे हैं इसके, हालांकि डिज़ाइन है पहले के टाइम के जो बने हुए थे वैसे बने हुए हैं ये। और यहाँ से अब आगे चलते हैं। तो ये मुमताज़ महल है, उनके बारे में उसके बारे में लिखा, मुमताज़ महल के बारे में लिखा है, उनके बारे में देखिए कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब क्या हुआ था। आप वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आपको मैं इंग्लिश में भी दिखाता हूँ। एंड ये देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ये, इसके बारे में आप भी पढ़ना चाहते हो इस वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। आपको दिखाते हैं मुमताज़ महल का क्या, देखिए ये खूबसूरती है ये जैसा आपको दिख रहा है, देखिए कितने बढ़िया से बना हुआ है गेट टाइप में, ये बढ़िया लग रहा है बहुत देखने में, यही है यहाँ की खूबसूरती। अंदर चलते हैं, देखिए इस साइड से भी ऐसे कुछ बना हुआ है ये, और ऐसे ये कमरे बने हुए हैं ये देख सकते हैं आप। और इनके बारे में मुझे तो पता नहीं है क्या अंदर क्या था क्या नहीं, इसके बारे में पता नहीं, तो इसके लिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। तो देख सकते हैं, देखिए यहाँ से ऐसी ये सामने मुमताज़ महल का ऐसे ये बन रखा है, इस साइड चारों साइड पाँच साइड से बना हुआ है, आप किसी भी साइड से आके देख सकते हैं ये। तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है देखिए मुमताज़ का महल। और ये सामने जस्ट पार्क है, पार्क इधर से देखिए
ग्रीनरी है, ग्रीननेस है, कितने हरियाली है, कितने सारे पेड़ पौधे लगे, गार्डन एरिया है ये। और आप आगे चलते आगे और दिखाते हैं आपको दूसरे एरिया के साइड। आगे हम देख सकते हैं, आपको मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ, हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और आपको मैं सामने दिखाता हूँ यही चीज़। तो देखिए ये रहा वो चीज़ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, वही यही है। और ये बना हुआ है अंदर से, इधर से ऐसा कुछ लुक है ये। और अभी इधर की साइड से अभी ये जो आपके दिख रहा है, ये यहाँ पे भी चलेंगे। कौन सा महल है मेरे को पता नहीं, आगे चलेंगे यहाँ पे भी दिखाएंगे आपको। यहाँ से ऐसा देखिए, ऐसा कुछ पास से आपको मैं दिखाता हूँ ये चीज़ अंदर से। देखिए पास से कुछ ऐसा है, यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है, इधर से ऊपर नहीं जा सकता, कोई भी मना है। और यहाँ पे शायद ये पहले राजा महाराजा के टाइम पे यहाँ पे पानी वगैरह हुआ करता होगा, मेरे को पता नहीं, शायद हुआ करता होगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, जिसको जिस मेरे भाई को पता होगा कमेंट में बताना क्या एरिया यहाँ का, क्या चीज़ है ये। सब आगे चलते हैं, देखिए रंग महल की तरफ चलते हैं। ये हिंदी में उनके बारे में लिखा रखा है, आपको इंग्लिश में भी दिखाता हूँ, देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब इनकी तरफ चलते हैं आगे की तरफ। कुछ ऐसा व्यू है जैसे कि आप देख सकते हैं रंग महल का, देख सकते हैं, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है नज़ारा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए आर्मी के CSF है, और यहाँ अलाउड नहीं जाना, कोई भी नहीं घूम रहा, इसलिए दिख नहीं रहा आपको कुछ जाता हुआ। रंग महल है आगे की तरफ, और चलते आगे क्या है, व्यू का मजे ले लीजिए आप, पूरा पूरा देखिए इधर से, देखिए ये व्यू है यहाँ का अंदर से रंग महल का। खास महल की तरफ चलते हैं आगे की तरफ, आगे चलते हैं यहाँ से आप। और ये खास महल का कुछ व्यू है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है, और यहाँ पे सब लोग घूम रहे हैं, फोटो क्लिक करा रहे हैं। बहुत ही लुकिंग व्यू है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है देखने में। पास से देखते कैसा दिख रहा है, ये कुछ अंदर से ऐसा बना हुआ जैसे कि आपको दिख रहा है, ये देखिए ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं महल के अंदर के। और यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पास से देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। दिखाते हैं, देखिए मोती मस्जिद लिखा है, ये देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और आपको मैं मस्जिद दिखाता हूँ यहाँ का, देख सकते हैं, देखिए ये जो मस्जिद लिखा है उसके बारे में, ये मस्जिद है ये है, और ये बंद है, ये सारे के सारे चीज़ें बंद कर रखी है। अब पहले के टाइम पे था ये सब, अब अंदर किसी को नहीं जाने दिया जाता, ये बार बार से देखने के लिए है बस। अभी गाइस मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ व्यू, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, देखिए एक बार आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको, पसंद आएगा, मज़ा आ जाएगा देखने में। ऐसा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कि कितना बढ़िया है, यहाँ पे आप यहाँ पे आ सकते हैं, देखिए ये देखिए व्यू, और ये इधर का नज़ारा देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है ये। सबसे अच्छा व्यू लगा मुझे इधर का भी देखने में, इधर का एरिया बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं बाहर की टाइप बाहर जगह पर आ गए, ऐसा दिख रहा है ये, देखिए कितना प्यारा है ये। गार्डन वार्डन कितने अच्छे खूबसूरत से यहाँ पे बेंचेस लगा रखे बैठने के लिए, अच्छा लग रहा है ये। और आगे चलते हैं, आगे और दिखाते हैं आपको। ये जफर नहर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके बारे में लिख रखा है हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और ये जफर नहर है पहले की थी जो, ये अब तो यहाँ पे खंडर सा हो रखा, सूखा, सब कुत्ता घूम रहा है, एक डॉग घूम रहा है। पहले यहाँ पे नहर था, पानी वगैरह हुआ करता होगा। और आगे की तरफ चलते आगे का और आपको दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है साबन और भादव मंडप, अब इसको दिखाता हूँ मैं आपको। और ये है वो, और अभी दूसरे एरिया की साइड आ चुका हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और ये ऐसे ही जस्ट साइड भी बना हुआ है, ये देखिए रहा, बहुत प्यारा लग रहा है। आगे की तरफ चलते आगे और दिखाते हैं आपको, यहाँ से चलते अंदर की तरफ आगे, वो म्यूजियम की साइड में, म्यूजियम का जो टिकट लिया था वो आपको अंदर दिखाता हूँ, अंदर की तरफ चलता हूँ। ये गाइस कुछ ऐसा नज़ारा है म्यूजियम के अंदर का, और ये देखिए उनके बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए गवर्नमेंट के जरिए जो करवाया गया, प्रधानमंत्री जी की योजना जी द्वारा स्थापित किया गया है, इधर की साइड देखिए। गाइस म्यूजियम के अंदर का देखिए कुछ ऐसा सीन है, लिखा हुआ है सब चीज़ कब क्या है क्या नहीं है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया लाइन लिखा है, पढ़ सकते हैं आप इस चीज़ को, मैंने तो पढ़ लिया है ये। आगे चलते आगे आपको और दिखाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम है, उनका म्यूजियम बनाया गया, आपको मैं दिखाता हूँ, उनका फोटो वगैरह रखे, चेयर वगैरह लगाई गई उनकी रखी हुई है,
आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा इनके फोटोज बनाए गए, पिक्चर वॉल पे बनाया गया है और देखिए ये सब लिखा हुआ है, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सब लिख रखा है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की चेयर वगैरह। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी की जो लाइन बोली गई थी, उन्होंने जो ये लाइन बोली थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, ये उनके बारे में लिखा हुआ है। ये लाइन सुभाष चंद्र बोस जी की चेयर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ये उनकी चेयर है और उनके बारे में लिखा हुआ है। इधर की साइड आप पढ़ सकते हैं ये चीज़, नेताजी चेयर्स लिखा रखा है, जैसे लिखा हुआ दिख रहा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से म्यूज़ियम देखने में, म्यूज़ियम का सीन तो कुछ ज़्यादा अच्छा है। और देखिए जरा से लाइटिंग वगैरह की गई है, देखिए लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ इनके बारे में लिखा। और यहाँ पे देखिए ये रहा दिख रहा, जैसा कि आपको देखिए इनके रखे हुए सिक्के वगैरह जो भी है, ये जो चीज़ रखी है ये देखिए, ये लिख रखा है आज़ाद हिंद दिल्ली फौजी के हरियाणा। और आपको वहाँ पे मैं दिखाता हूँ 100 का नोट और 10 का नोट रखा हुआ है, देख सकते हैं उस टाइम के ज़माने का ये नोट है 100 का और 10 का। ऐसा तो कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ करता था, जापान गवर्नमेंट लिख रखा है इसमें जैसा दिख रहा है आपको। और देखिए ये सोल्जर्स की ये इनके INA मजोर कैप्टन लिखा है इनका, ये दिखाता हूँ। देखिए ये ऐसा है कुछ, ये इनके कैप्टन का बना हुआ है, ये इंडिया का अपने पहले के टाइम का। और आगे चलते हैं, आगे क्या है आगे आपको और दिखाते हैं। ये स्क्रीन चल रही है जैसा आपको दिख रहा है ये, और ये इंट्रोडक्शन लिख के आएगा, परिचय भी दिखाऊंगा आपको। देखिए लिख के आ रहा है जैसा आपको दिख रहा है ये। आगे चलता हूँ, आगे का आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना टाइम नहीं, मेरे पास अभी बंद होने वाले म्यूजियम में, टाइम ओवर हो चुका है यहाँ का। और ये फोटोज़ वगैरह लगी है उनकी, जैसे कि देखिए देखिए इस साइड का भी तरी है कुछ ऐसा है, ये दिख रहा है। देखिए ये चीज़ लिख रखा है म्यूजियम के अंदर अपना, ये सब चीज़ लिख रखा है इनके बारे में, क्या क्या लिखा है वो, ये चीज़ें सब लिखी हुई है, जो कि सब लिखा है इनके बारे में डिटेल में। इतना ज़्यादा से मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, बंद होने वाला है, इस चक्कर से मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ आपको। आपको दिखाई है पूरा म्यूजियम का सीन था, और यहाँ पे म्यूजियम का टाइमिंग है, लास्ट टाइम है 5 बजे बंद हो जाने का, क्लोजिंग टाइम 5 बजे का है। और यहाँ ये म्यूजियम देख लिया, ये भी देख लिया, लाल किला भी देख लिया, नीचे चलते हैं आप। तो अभी मैं जिधर से आपको मैंने जो दिखाया वहाँ के वीडियो अलाउड नहीं था, थोड़ी सी वीडियोज बना के मैंने आपको दिखाई, वहाँ पे मैंने कर दिया। उन्होंने गार्ड ने बोला कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं, आप वीडियो क्यों बना रहे, तो मैंने बोला ठीक है मुझे पता नहीं था। तो मैंने वीडियो जो बना लिया आपको दिखा दिया, और जो मैंने देखा तो मैंने देख लिया आपको दिखा दिया, उसके आगे मैं गया भी नहीं। फिर मैंने कहा वीडियो बनाना अलाउड नहीं तो जाके कोई फायदा नहीं, आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा कुछ, तो इसलिए मैं गया नहीं। सो बाहर निकल के आ गया, अब यहाँ से बाहर की तरफ चल रहे हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ से एग्जिट मारेंगे, एग्जिट टाइम भी हो गया बहुत, यहाँ से एग्जिट मारते हैं बाहर निकलते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम जिधर से अंदर घुसे थे, जिधर से आए थे उसी साइड से हमें एग्जिट के लिए निकलना, बाहर जाने के लिए वहीं से निकलना है। इधर से मैं चल रहा हूँ लेकर के, आपको दिखाता हूँ इधर से जो बाजार वगैरह दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में, आपको देखा होगा आपने, वहीं उसी की तरफ से निकलना है और इधर से एग्जिट मारना है। चलते हैं लेके आपको दिखाता हूँ कि अब थोड़ा लाइटिंग वगैरह होगी, रात होगी थोड़ी, शाम होगी तो लाइट वगैरह जल रही, कितना बढ़िया लग रहा देखने में। और यहीं से शॉप की स्टार्टिंग से जब आए थे हम, तो यहीं से आए थे इधर से ही आपको दिखाते हुए आए थे मैं। और अब यहीं से बाहर निकलते हैं, बाहर की साइड चलते हैं, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है सब चीज़, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। लाइट नाइट का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं चमक रहा है लाइटिंग। और चलते यहाँ से आगे बाहर निकलते हैं।
एग्जिट पॉल की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ से एग्जिट और निकल रहा हूँ। जैसे ये दिख रहा है इस साइड से आया था, इस साइड से इस वाले एरिया से इस साइड से एग्जिट निकलना है। अब चल रहे हैं बाहर। तो एग्जिट हो चुका हूँ मैं, जस्ट पीछे मेरे आपको दिख रहा है यहीं से एग्जिट हुआ। अभी इधर की साइड, इस साइड से इधर की साइड से गया था और इस साइड से बाहर की साइड थोड़ी सी जगह, वहाँ से निकल के आने के एग्जिट के लिए जगह बना रखी है, वहाँ से निकल के आगे एग्जिट हो चुका हूँ। और मैंने जो बैग अपना सबमिट करवाया था, जमा करवाया था, उसको लेने चलते हैं। अब लेना पड़ेगा क्योंकि नहीं लेंगे तो हमारे उसमें सामान वगैरह है, तो लेना ज़रूरी है। वो देते हैं और आपको दिखाते हो। मेरी बैग वाली पर्ची जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाथ में है। तो यहाँ पे देख रही है, पैसे भी लिखे हुए दिख रहे हैं आपको। ये देखिए ये लिखा हुआ है 2 रुपीज पर आइटम लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे कि अंदर देखते हैं कितने देर कितने रुपए लेते हैं इतने देर के, और अंदर दिखाता हूँ। यही देखिए लाइन लगी हुई है, लाइन में यहाँ पे सब लोग ले रहे हैं बैग अपना, और मैं भी लगा हूँ लाइन में, पीछे हूँ मैं। ले लेता हूँ बैग, फिर आपको मैं बताता हूँ डिटेल में कितने रुपए लिया है, क्या लिया है, क्या नहीं, फिर आपको बताएंगे। सो ले लिया मैंने बैग अपना, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए मैंने बैग टांग रखा है और उस पर पर्ची पर लिखी हुई थी 2 रुपए पर आइटम्स, बट कोई बात नहीं, इन्होंने मुझसे मीन्स 10 रुपीज़ लिया है। शायद हो सकता है 10 रुपये हो वो पर आइटम लिखा हुआ, तो कोई नहीं, 10-5 रुपये में कुछ नहीं होता है, आप देखना ये चीज़ें। और ले चुका हूँ मैं, दे दिया मैंने 10 रुपीज़ लिए उन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैग सेफली तो रहा, कम से कम 10 रुपीज़ लिया तो अच्छा है ना, सेफ रहा ना। कोई आपके मतलब कुछ इसमें रखा हो सामान वगैरह तो वो सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसकी परवाह करे बगैर, आप बगैर यहाँ पे चिंता करे बगैर, अपनी टेंशन किए बगैर आप सबमिट करा सकते हैं बैग को। और अब यहाँ से चलते हैं घर के लिए, और आपको मैं यहाँ का एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ। बढ़िया से नाइट टाइम हो चुका है, हल्का हल्का शाम हो चुकी है, वहाँ का शाम का कुछ ऐसा व्यू दिखाता हूँ आपको। देखिए देख सकते हैं आप, ये कुछ नाइट का व्यू ऐसा हो चुका है, ये शाम होगी, हल्की हल्की शाम हो चुकी है और लाइटिंग वगैरह जल रही है जैसा आपको दिख रहा है। ये बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। गाइस मैंने आपको पूरा का पूरा लाल किला एक्सप्लोर करा दिया, रेड फोर्ट एक्सप्लोर करा दिया, दिखा दिया बढ़िया से, जो जो चीजें थी, जो जो मैंने देखी आपको दिखाई बढ़िया से करके, सब देख सकते हैं। देखिए जस्ट मैं पीछे से यहाँ से सामने सूट ले रहा हूँ। अब टाइम हो चुका है ज़्यादा, शाम का टाइम हो चुका है, तो मुझे यहाँ से अब घर जाना पड़ेगा, घर जाना है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, नहीं जाऊँगा तो लेट हो जाऊँगा जाने में, पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाएगा क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर है ये एरिया। यहाँ पे जहाँ है वो मैं लाल किला रेड फोर्ट, ये बहुत दूर है मेरे घर से। आए अब यहाँ से चलते हैं घर। सो अब गाइज आपको घर पे मिलेंगे, बने रहिए आप, घर पहुँच के आपको मिलते हैं। 3 hours later. सो गाइज अब मैं घर आ चुका हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड अब ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। एंड आई नीड योर सपोर्टर, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। पैसा तो हर कोई कमाता है, दुनिया भर इंसान कमाता है, मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं चाहिए। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज अजय कुमार ब्लॉग्स। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मिल जाएगा आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय, टेक केयर गाइज।